ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाल ही 4 दिन के दौरे के बाद कल रात को जयपुर लौटे हैं। इससे पहले बीते रोज मंगलवार को जयपुर जाने के लिए जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे सीएम गहलोत ने गुजरात में चुनावी माहौल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वहां सरकार विरोधी लहर भयंकर है और इसलिए मोदी जी बार बार गुजरात जा रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री देखा है जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले कैंपेनिंग कर रहा है, ऐसी स्थिति बन गई है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या होगी। आपको बता दें, सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ सूरत और राजकोट में चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को प्रदेश के चित्तौड़गढ़, जोधपुर और पाली दौरे पर रहे। जोधपुर से वापस जयपुर लौटने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए गुजरात चुनाव पर खुलकर बात की। सीएम गहलोत ने कहा कि गुजरात में सरकार विरोधी लहर है, अब वह समय गया जब मोदी व शाह के खिलाफ लोग बोलने से डरते थे, अब खुलकर बोल रहे हैं। सीएम गहलोत ने बताया कि कोरोना के समय जो गंभीर माहौल था उस समय आम जनता की सुध नहीं ली गई, सड़कों पर ड्रिप चढ़ी थी लोगों की। हाल ही में मोरबी में 125 लोग मर गए लेकिन इंक्वायरी तक नहीं करवा रहे हैं, अब जाकर गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। वहीं राहुल गांधी की सूरत और राजकोट में हुई चुनावी जनसभाओं को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राहुल की सभाएं भी बहुत अच्छी हुई और अच्छा मैसेज गया है। पिछली बार राहुल गांधी आए थे गुजरात तब 77 सीटें आई थी। अभी राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दे पर भारत जोड़ो यात्रा पर है। ऐसे में इस यात्रा से गुजरात में भी अच्छा मैसेज जा रहा है, यह मैसेज तो हिंदुस्तान के हर घर में जा रहा है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि यात्रा गुजरात से निकले। इसके साथ ही गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने के सवाल पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमारा टारगेट 125 का है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के 33 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के विरुद्ध खड़े हैं और 21 लोग हिमाचल में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी पार्टी में भी पहली वाली बात नहीं रही कि मोदी की अमित शाह के डर के मारे बोलते नहीं थे, अब बोलने लगे हैं। बदलाव आ रहा है भाजपा में भी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।